नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, अगर आप ईमेल का इस्तेमाल करते हैं, जीमेल का इस्तेमाल करते हैं, तो आप अगर करते रहते हैं तो एक दिन ऐसा भी आता है जब आपका ईमेल फुल हो जाता है, यानी कि आप पर अगर कोई ईमेल करता है तो आपके पास नहीं पहुंचेगा, या फिर आप किसी को ईमेल करते हैं तो वो जो है आउटबॉक्स में चला जाता है और जिसको आप फॉरवर्ड करते हैं, जिसको आप शेयर करते हैं, वो चीजें नहीं पहुंच पाती है। और इसका एकमात्र रीजन होता है कि आपका जो जीमेल का स्पेस, जो जीमेल का मेमोरी है, जो जीमेल का स्टोरेज है, वो फुल हो जाता है। और जब फुल रहेगा तो आप किसी को भी डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते, ना ही अपने में किसी से डेटा मंगवा सकते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूं और आपको दिखाने वाला हूं कि अगर आपका जीमेल अकाउंट फुल हो गया है तो आप किस तरीके से उसको खाली कर सकते हैं, किस तरीके से आप एम्प्टी कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे लोगों को पता नहीं होता है कि भाई जीमेल का स्पेस जो है उसको कैसे एम्प्टी करें, उसको कैसे फिनिश करें, कैसे पैनिश करें, ये पता नहीं होता है। तो आज मैं अपने इस वीडियोज में दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप भी अपने जीमेल अकाउंट का जो भी डेटा है उसको डिलीट कर सकते हैं, ताकि आपके जीमेल में स्टोरेज जो है वो बच जाए, जिसके बाद आप एबल हो पाए किसी को डेटा ट्रांसफर करने के लिए या फिर किसी से डेटा एक्सेस करने के लिए। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका ईमेल स्पेस फुल हो गया है, जैसा कि मैं आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे ईमेल खोला हुआ हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि योर स्टोरेज इज ऑलमोस्ट फुल 92%, यानी कि लगभग 8% बाकी है और ये जो है सारा हो चुका है। जीमेल रिक्वायर स्टोरेज टू लेट यू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स टू कंटिन्यू यूजिंग जीमेल, फ्री अप सम स्पेस बाय मोर स्टोरेज। खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, तो डिसमिस कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि देखिएगा, मैं स्पेस यहाँ पे खाली करूंगा, कैसे यहाँ पे डिसमिस कर देता हूँ इसको, ठीक है। अब क्या करता हूँ कि मैं प्राइमरी में जाता हूँ। प्राइमरी में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल 25 3, इसको सिलेक्ट करते हैं और क्लियर सेक्शन जो है ना, यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये इतना जो है डेटा था वो सारा डिलीट हो रहा है, ऐसे करना है आपको। इसके बाद देखिए, यहाँ पे प्राइमरी में जाते हैं आप, फिर रिफ्रेश जब मारता हूँ मैं इसको, तो आप देख सकते हैं कि जो भी मेरा प्राइमरी डेटा था वो सारा खत्म हो चुका है। अब मैं सोशल पे चलता हूँ। सोशल पे जाने के बाद सेम करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट ऑल, इतने 9 है, यहाँ पे डिलीट करता हूँ और यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ी देर बाद इसका भी ये सारा खाली हो जाएगा सिस्टम, ठीक है। सोशल में अभी भी है, ठीक है। फिर से एक बार यहाँ पे कोशिश करेंगे। हाँ देखिए, यहाँ पे सोशल पे खत्म हो गया क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक बार में सेलेक्ट कर लिया। अब जाता हूँ प्रमोशंस पे। प्रमोशंस पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक के बाद यहाँ पे सिलेक्ट ऑल 1.4 है, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे ओके करते हैं, ठीक है। इसके बाद थोड़ी देर बाद आप रुक जाइए, यहाँ पे लोडिंग ले रहा है, थोड़ी देर बाद डिलीट हो रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, स्पेस रिफ्रेश मारते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपका प्राइमरी का डेटा खत्म हो गया, सोशल का खत्म हो गया, प्रमोशन का खत्म हो गया, अब बचा अपडेट्स का। अपडेट्स में भी जाते हैं, अपडेट्स का भी मार देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जा रहे हैं तो कोई नहीं आ रहा, मतलब कि एक ही डेटा है बस, तो यहाँ से खत्म हो गया, ठीक है। फॉरम में जाते हैं, फॉरम में तो फॉरम में कुछ नहीं आया, देखिए यहाँ पे स्पेस खाली हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो ये सारा डेटा डिलीट हो गया। अब आपको ऊपर ऊपर जो स्पेस नहीं दिखा रहा है, आपको ये काम करना है, यहाँ पे जाते हैं नीचे, तो यहाँ पे एक बिन का ऑप्शन आता है, बिन बिन पे क्लिक करना है। बिन पे जब आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलता है और ये वो खुलता है जिसको आपने डिलीट किया है। यहाँ पर एम्प्टी बिन नाउ का आ रहा है, तो यहाँ पे एम्प्टी बिन नाउ 30 डेज ऑटोमेटिकली हो जाता है, लेकिन फिर भी हम जितना है उसको एम्प्टी बिन नाउ पे क्लिक करते हैं। दिस एक्शन विल अफेक्ट आफ्टर मैसेज इन बिन आर यू सी वन टू 899 मैसेज है, इसको डिलीट करना चाहते हैं, ओके करते हैं, ओके करते हैं। आप देख सकते हैं कि जो बिन में फाइल है, यानी कि वो जो है आप देख सकते हैं कि डिलीट हो गया, ठीक है। अब इसको मैं ओपन करता हूं तो आप देख सकते हैं कि आसानी से जो है आपका स्पेस खाली होगा, कोई भी यहां पे नोटिस नहीं आ रहा है और आप जो है आसानी से अब कोई भी डेटा भेजना हो, कोई भी वीडियोज़ भेजना हो, तो आप आसानी से इसको भेज सकते हैं। तो इस तरीके का आप कम काम करके यहां पे भी देख सकते हैं, सेंट मेल भी है, सेंट मेल भी है, तो यहां पे सेंट मेल पे जाते हैं। सेंट मेल पे जाके यहां पे क्लिक करते हैं, देखिए यहां भी सेंट मेल भी खत्म हो गया। फिर जो है आपका यहां पे सेंट मेल का भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है। फिर यहां पे बिन पे जाते हैं तो सेंट जो हुआ उसका आ गया, यहां पे एम्प्टी बिन नाउ करते हैं, फिर यहां पे क्लिक कर देते हैं, ये अपने आप डेटा डिलीट हो गया। यहां से अब डिलीट हो गया, सारा फाइल आपका डिलीट हो गया और आपका पूरा जो है जीमेल आपका खाली हो गया है। तो आप आसानी से इस तरीके से अपने स्पेस को खाली कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो दोस्तों, देखा आपने, इस तरीके से आप इंप्लीमेंट कर आसानी से आप अपने इनबॉक्स को डिलीट कर सकते हैं
और फिर आप अपने जीमेल अकाउंट का स्पेस जो है वो बना सकते हैं, जिसके बाद आप आसानी से किसी को डेटा भेज सकें या फिर किसी से डेटा एक्सेस कर सकते हैं या फिर किसी से डेटा मंगवा सकते हैं। तो मुझे लगा कि आप सभी को जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि कई लोगों को नहीं आता है, जिनको आता है वो तो इट्स ओके हैं, जिनको नहीं आता है उनको भी इस प्रकार की समस्याओं से कहीं ना कहीं रूबरू किया जाए और ये बताया जाए कि आखिरकार आपका जब जीमेल फुल हो जाए तो आप किस तरीके से उसके स्टोरेज को खाली करते हैं। बाकी कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िएगा। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़िएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहां से भी जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।